आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 660 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो संख्याओं की बात करी जा रही है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x है। क्लियर। अगर हम इन दो संख्याओं में मासा निकालें तो क्या होगा भैया, x ही होगा ना, उभयनिष्ठ। दोनों संख्याओं में क्या है, x है ना, तो मासा x हो जाएगा। और लासा कितना दिया गया है भाई प्रश्न में, 660। और संख्याएं हमारे पास है, आपको फार्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। ठीक है, अब रख देते हैं यहां पर मान 5x गुणे 6x बराबर x गुणे 660। क्या होगा यहां पर, इधर x इधर आएगा ये, तो एक x यहां पर कट जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। तो ठीक है, तो यहां पर x बचेगा और 660 इधर रहेगा, ये 5 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो काट देते हैं यहां पर 6 कन्नम 6 110 आ जाएगा। 5 से काट देते, 5 कन्नम 5 5 दूनी 10 है ना, और 5 दूनी 10 यहां पर x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना, x का मान हमारे पास 22 आ गया। तो भैया पहली संख्या और दूसरी संख्या हम निकाल लेते हैं यहां पर, पहली संख्या क्या है 5, x का मान कितना है 22, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 1 5 दूनी 10 11। तो ये हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या 6x है, मतलब 6 गुणे x का मान कितना है 22, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल, 1 6 दूनी 12 1 13। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो इसका मतलब यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 110। दोनों में छोटी संख्या क्या है, 110 है, यही आंसर हो जाएगा आपका। और आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो जो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।